गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। लास्ट वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब चैप्टर फिफ्थ के 14th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, राइट। अब हम करेंगे 15th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें टोटल क्वेश्चन हैं हमारे इस एक्सरसाइज में 5.3 में 20 क्वेश्चन हैं टोटल। अब हम करेंगे 15th क्वेश्चन से स्टार्ट, ठीक है। लेट स्टार्ट विद 15th क्वेश्चन। देखिए, अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकेंड डे एंड ₹300 फॉर द थर्ड डे एटसेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे ₹50 मोर देन फॉर द प्रिसीडिंग डे। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे अस पेनल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो देखिए, ये क्या बन रही है, ए पी बन रही है। ए पी कैसे? सिंस द पेनल्टी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, पेनल्टी क्या है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है बाय फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ₹50। तो तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे सिंस द पेनल्टी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज बाय अ फिक्स्ड अमाउंट दैट इज ₹50। तो फर्स्ट टर्म एपी की क्या हो जाएगी, तो हम ये तो क्या हुआ, इट फॉर्म्स एन एपी। तो क्या लिखोगे, इट फॉर्म्स एन एपी। तो इसने क्या बना ली, एपी बना ली। तो सबसे पहले कितनी लग रही थी पेनल्टी, 200, नेक्स्ट में 250, नेक्स्ट में 300 और अप टू कितने डेज लगाना, 30 डेज तक। मतलब एन कितना हो गया हमारा, 30 हो गया, राइट। ए कितनी हो गई, 200 हो गया। डिफरेंस कितना हो गया, ईच में 50 का हो गया। तो सम निकालना है, मतलब टोटल अमाउंट निकालना है, कितनी पेनल्टी इसको पे करनी पड़ेगी 30 डेज के लिए। तो क्या होगा, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ठीक है। तो एन कितना है, 30/2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1, 29। डिफरेंस कितना है, 50, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, उसको कैंसिल आउट करेंगे। और ये क्या हो जाएगा, 400 प्लस, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 29 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 में से माइनस के 1450 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 into 18 50 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा 27750। तो इट मींस पेनल्टी उसको कितनी पड़ गई, 27750, मतलब 27750 रुपीज़ पड़ गई उसको पेनल्टी फॉर 30 डेज। तो लिखोगे, द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे ₹27750, ठीक है। उसको इतना रुपया, मतलब इतने पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन था, मतलब इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है बार बार, ताकि मैं इसको बार बार तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 16th क्वेश्चन। बुक्स हैं तो पढ़ के देखो, ईजी हो जाएगा थोड़ा सा अगर मैं तुम्हें देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ ₹700 is to be paid used to given 7 cash prizes to student of a class for their overall academy performance। मतलब ₹700 के total prizes रखे गए हैं, if each prize is ₹20 less than its preceding prize। और ये क्या चीज़ होती है, if each prize is ₹20 less than its preceding prize, it means जो AP बन रही है उसमें gap कितना है, 20 का gap है, मतलब difference कितना हो गया हमारा, 20 हो गया। find the value of each of the prizes, हमें क्या निकालना, हर एक prize की value निकालनी है। और सम कितना हो दिया हुआ है, 700, ठीक है। तो हमें साफ साफ क्या दिया हुआ है, देखो टोटल मतलब कि एसएन कितना दिया हुआ है, 700। टोटल प्राइजेस कितने हैं, सपोज करो प्राइस P1 P2 P3 अप टू PN है, ये हमारे 7 प्राइजेस हैं। और इनका सम कितना दिया हुआ है, सबका सम दिया हुआ है हमें 700। तो वो दोनों में डिफरेंस कितना है, डी कितना है, 700। और कितने हैं एन, हमें बताया हुआ ना कि 7 है, इसका मतलब S7 कितना हो गया, 700, क्योंकि 7 प्राइजेज है ना टोटल, कितने प्राइजेज हैं, 7 कैश प्राइजेज, यस। तो 7 कैश प्राइजेज में तो N की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई।
एस एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो ए फाइंड आउट कर लो। अगर हम ए फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। एस एन कितना दिया हुआ है 700, एन कितना है 7/2 आ जाएगा, राइट। टू ए, ए हमें पता नहीं है कितना है, एन हमें पता है, एन माइनस वन मतलब 7 - 1 = 6, डिफरेंस कितना है 20 दिया हुआ है, राइट। अब यहाँ से ऊपर ले जाओ, 700 × 2/7 आ जाएगा ये वहाँ पे जाके, और ये क्या हो जाएगा 2a + 6 × 120 हो गया, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा 100 × 2 = 200, और ये उधर गया -120 = 2a, तो 2a क्या आ जाएगा 200 - 80, तो a की वैल्यू आ गई 40, मतलब जो फर्स्ट प्राइस था वो 40 का था। अब हमारे पास टर्म्स कैसे होती हैं, a, a प्लस डी, a प्लस टू डी और अप टू a प्लस 6g तक होगा। लास्ट टर्म क्या है 7 है, a 7 क्या होगा मतलब 6g होगा, तो a की वैल्यू कितनी है 40। सेकेंड टर्म क्या हो गया, ये a1 है, इसको a1 a2 भी ले सकते हो, p1 p2 भी ले सकते हो, a1 a2 ले लो, कन्फ्यूज़न नहीं होगी तुम्हें, ठीक है a1 a2 ले लो, राइट। तो a1 a कितना हो जाएगा 40, a2 क्या हो जाएगा इसमें 220 ऐड कर दो, a3 में फिर 20 ऐड कर दो, फिर a4 में फिर 20 ऐड कर दो, a5 में अगेन 120 और अगेन 140, तो ये हमारे पास होगी 7 कैश प्राइजेस होगी, ठीक है। समझ में आ गया, क्वेश्चन बहुत इजी था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी इजी है बहुत, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं और इजी भी हैं, स्टेटमेंट वाले हैं, थोड़े से ध्यान से पढ़ना। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, ये तो ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of second class will plant 2 trees and still 2 and so on till class 12th. There are 3 sections in each class. How many trees will be planted by the student? हमें क्या निकाला कि कितने students ने plant किए हैं trees, ठीक है। अब पहले इसको question करो, करते हैं, देखिए हर हमें question में क्या बताया हुआ उसने कि 3 section हैं और first class ने एक ट्री उगाया, सेकेंड क्लास ने 2 ट्री, इसी तरीके से 12th क्लास ने कितने उगाए 12 ट्रीज हुआ है, ठीक है। लेकिन हर एक सेक्शन ने हुआ है, और हम फिर हम क्या कह सकते हैं, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास प्लांट द सेम नंबर ऑफ ट्री एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग, ये लिखा हुआ है ना, एंड देर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है 17। अब थोड़ा सा तो मैं आइडिया बता देती हूँ, A1, A2, अप टू कितने हैं A12 क्लास है, ये फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास एंड सो ऑन। अब इसने कितने ट्रीज उगाए, फर्स्ट क्लास ने 1 ट्री उगाया, लेकिन 3 सेक्शन थे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। इसी तरीके से जो सेकेंड क्लास थी उसने तीनों सेक्शन, 3 सेक्शन के लिए 3 और 2 ट्री उगाए। इसी तरीके से जो थर्ड क्लास थी मतलब A3 था, वो 3 × 3 हो गया, और लास्ट में 3 × 12 हो गया। ये क्या है नंबर ऑफ ट्रीज और ये क्या है सेक्शंस, राइट। तो अब हमारे पास टोटल ट्रीज कितने हो जाएंगे, तो हमने इसको 3 कॉमन ले लो, और ये क्या आ जाएगा 1, 2, 3 up to 12 आ गया, इतने ट्रीज हैं। अब इनको हम सम कर दें सबको, तो हमारे पास हो जाएंगे नंबर ऑफ ट्रीज निकाल लेंगे, तो इसके अंदर लगा दो सम का फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू दिस, और ये फॉर्मूला क्या लगेगा, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो अब इसको कैसे करोगे, यहाँ से आ गया 3, एन कितना है 7 12 क्लास थी, 12/2 हो जाएगा, 2 × a, फर्स्ट क्लास ने कितने उगाए थे 3, मैंने कॉमन रखा हुआ है, अब इसके लिए मैं सीरीज अप्लाई कर रखी है, ये है मैं इसका सम करना है मुझे, ठीक है ना। तो a क्या है 1 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है 12 माइनस वन, डिफरेंस कितना है 1 का, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, काट दोगे ठीक है ना, 3 यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये 2 + 11, ठीक है, ये आ जाएगा 3 × 4 × 13, ठीक है ना, और ये क्या आ जाएगा 3 × 6 आएगा ना
ठीक है ना, 12/2 6 होता है ना, गलती से मिस्टेक हो गई, ठीक है, 6 × 13, 6 × 13 कितना हो जाएगा, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 234 ट्रीज। मतलब कि पूरे स्कूल ने कितने ट्रीज उगाए हैं, 234 ट्रीज उगाए हैं, ठीक है ना। दे प्लांट हैंस द स्टूडेंट्स विल प्लांट 234 ट्रीज, यहाँ पे लिख सकते हो हैंस द स्टूडेंट्स विल प्लांट 234 ट्रीज। हाँ जी, आगे 17 क्वेश्चन समझ में। अब 18 क्वेश्चन, अ स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सर्कल्स। एक स्पायरल है, स्पायरल कैसे बना हुआ है, इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए एट ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। देखिए इस तरीके से हैं, मैं बना के दिखाती हूँ, ये तुम्हारे पास ये सेंटर हो गया, ठीक है, और वो स्पायरल कैसे बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है, और फिर उसका रेडियस इंक्रीज हो जाता है, फिर देन उसका इंक्रीज हो जाता है, ऐसे करके ये स्पायरल बना हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से ये स्पायरल है, राइट। अब उन्होंने कहा हुआ है विथ सेंटर एट ए, तो उसका सेंटर क्या है, ए है, ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, तो ये कितना है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद और क्या कहते हैं, उसके बाद जो रेडियस है, जो अगला स्पायरल है उसका रेडियस जो है, मतलब ये कितना है 1 सेंटीमीटर, उसके बाद अगर हम ये कहें कि ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर, तो इसी तरीके से इसका रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। एज शोन इन फिगर व्हाट इज़ द टोटल लेंथ, और क्या बोला हुआ है कि जो सेमी सर्कल्स हैं वो कैसे हैं, विद सेंटर ए एंड बी, तो इस तरीके से इसके जो ये सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं ए और बी इस तरीके से। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द सच अ स्पायरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। अगर ये 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स बनाता है, कंसेक्यूटिव मतलब एक जो एक ही गैप के होते हैं, मतलब एक ही डिफरेंस के लगातार चलते रहते हैं जो, तो कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल बना रहा है 13, तो टोटल लेंथ कितनी होगी स्पायरल की, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं बताती हूँ, बस हम क्या कहेंगे, ये स्पायरल ए बी सेंटर इस तरह से रिप्रेजेंट किए हैं। अब हम क्या कह सकते हैं, लेट आर वन, अब इसकी स्पायरल की लेंथ बतानी है, स्पायरल की लेंथ बताने के लिए देखो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसका ये सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लूँ, फिर सेकंड सेमी सर्कल का सेमी सर्कल फाइंड आउट कर लूँ, मतलब कि जो सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लूँ, फिर इस वाले थर्ड सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लूँ, फिर नेक्स्ट सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करूँ, फिर नेक्स्ट, तो इसी तरीके से अगर मैं 13 के 13 सेमी सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लेती हूँ, तो टोटल और उनका कर लूँ, और उन सबके टोटल कर लेती हूँ, तो मैं फाइंड आउट कर लूँगी इसकी लेंथ, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, लेट R1, R2, R3 बी द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। हमने क्या कह लिया, लेट R1, R2, R3 अप टू R12 बी द रेडियाई ऑफ द सेमी सर्कल्स। ये हमने सपोज कर लिया कि ये इसके रेडियाई हैं, जो 13 बन रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूशन में है प्रोसेस अभी, कि 13 तो बना के नहीं दिखा पाऊंगी ना, ठीक है। तो उसके बाद और हमने क्या सपोज कर लिया, जो R1 है उसका रेडियस कितना है 0.5, R2 का रेडियस 1.0, R3 का 1.5 एंड सो ऑन, इस तरीके से रेडियस बढ़े हुए हैं 0.5 के गैप पे हैं सारे के सारे। और L1, L2, L3 अप टू L12 ये मैंने क्या मान लिया, बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ, सर्कमफ्रेंस किसका मान लिया, ऑफ सेमी सर्कल्स, ये मैंने मान लिया सर्कमफ्रेंस, या फिर लेंथ बोल सकते हो, या फिर लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल्स, ठीक है, लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल्स, ठीक है, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल ये लिख सकते हो, ठीक है। अब एल क्या होगा, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, बट सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr, तो L1 क्या हो जाएगा, πr1, L2 क्या हो जाएगा, πr2, अप टू L12 क्या हो जाएगा, πr12, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हमें चाहिए कि R3 की वैल्यू, तो मैंने बता दी तुम्हें कि ये होती है, R12 की वैल्यू क्या होगी, 13 तक है, अभी सारी जगह मैंने मिस्टेक कर दी, 13 तक है, 13 सेमी सर्कल्स है, नॉट 12, इट्स 13, ठीक है, 13 सेमी सर्कल्स है, राइट। अब R1, R2, R3 तो ये हैं,
तो R13 क्या होगा? R13 फाइंड आउट करना सबसे पहले, तो R13 कितना होगा देखो, 0.512 इस तरीके से है, तो R13 मेरा होगा 6.5 करके देख लो, 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 13 हो जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे तुम्हें आंसर मिल जाएगा, 6.5 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करो, 13 हो गया, हाफ है ना, 1 है तो 0.5 है, 2 है तो 1 है, 3 है तो 1.5 है, तो 13 है तो उसका हाफ होगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनो, आर वन है, 1 का हाफ 0.5, 2 का हाफ 1, 3 का हाफ 1.5, तो 13 का हाफ 6.5, तो R13 तो ईजिली निकाल लिया मैंने, ठीक है, तो ये L1, L2 और L1, L2, L3 क्या निकलेंगे? अब हमें क्या करना है, सम करना है, मतलब इन सब का हमें लेंथ ऑफ स्पायरल निकालनी है, लेंथ ऑफ स्पायरल क्या होगा, इन सारे के सारे L1, L2, L13 का सम, तो उसका मतलब L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस अप टू L13 तक का सम होगा RL, ठीक है, लेंथ ऑफ स्पायरल, सॉरी, L क्या है, पाई R1, पाई R2, पाई R3 अप टू पाई R13, ठीक है, तो पाई कॉमन निकाल सकते हैं, R1 क्या है, 0.5, 0.1.0, 1.5 प्लस 6.5, ठीक है, अब इसको हमने फ्रैक्शन में लिख दो, उसको हमारे पास थोड़ा इजी हो जाएगा फ्रैक्शन में लिखने पे, फ्रैक्शन में लिखोगे नहीं लिखोगे एक ही बात है, वैसे मैं वैसे ही करवा देती हूँ तुम्हें, ठीक, छोड़ो, अब देखो, अब ये पाई कॉमन है, तो अब इनमें गैप कितना, 0.5 का, सम का फॉर्मूला लगा दो, देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देती हूँ, SN इज इक्वल टू एन बाई टू, 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है सम का फॉर्मूला, एन कितना है 13, तो 13/2 हो गया, एंड 13 है, 13 तक है ना, 13 स्पायरल्स हैं, 2a का मतलब 0.5, फर्स्ट 0.5 हो गया, प्लस n कितना है 13 माइनस 1 12, ठीक है ना, n कितना है 13 है ना, ठीक है, और डिफरेंस कितना है 0.5 का, अगेन इट इज 0.5, राइट, इसको तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, एन बाई टू, टू ए प्लस एन, ए प्लस एल वाले मेथड से भी कर सकते हो, हम ए प्लस एल वाले मेथड से करेंगे, वो इजी हो जाएगा थोड़ा सा, एन बाई टू ए प्लस एल, ठीक है, एन बाई टू ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, थोड़ा सा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, ए प्लस एल वाला, लास्ट टर्म तो फिर पता है ना 6.5 है, ठीक है, इसीलिए, तो ए क्या है 0.5, लास्ट टर्म क्या है 6.5, ठीक है ना, इजी लग रहा है ना, अब यहाँ से क्या करो, पाई कॉमन 13/2, 0.5 प्लस ये कितना है 7 हो गया, ठीक है ना, 0.5 प्लस 6.5 7 हो गया, तो ये तो हो गया हमारे पास 7, अब ये क्या होता है, अब पाई की वैल्यू मैं लिख दूँ, पाई की वैल्यू क्या होती है 22.7 इंटू 13/2 इंटू 7 हो गया, मतलब यही लिखा है सेम टू सेम, 7 से 7 कैंसिल, 12 से 11, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ गया 143 सेंटीमीटर, तो मतलब इस स्पायरल की लेंथ क्या हो गई 143 सेंटीमीटर, दोबारा से सुन लो क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा होगा तुम्हें, देखो एक स्पायरल है, ठीक है, यहाँ से वो उसका सेंटर है ए, तो वो ऐसे करके सेमी सर्कल बना रहा है, ये की सेमी सर्कल, सेकंड सेमी सर्कल, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, पांच सेमी सर्कल तो इसमें भी दिखाती है मैंने तुम्हें, और क्या कह रहा है, जो पहले स्पायरल का रेडियस है 0.5, दूसरे स्पायरल का रेडियस 0.55 इंक्रीज होता जा रहा है, हर का इसका 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5 है, देन ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से सारे के सारे स्पायरल्स के रेडियस बढ़ते जा रहे हैं, हमने क्या करना है, स्पायरल की टोटल लेंथ बतानी है, टोटल लेंथ बताने के लिए हम क्या करेंगे, इन सारे लेंथ्स का सारे के सारे सेमी सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस को ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से मैंने L1, L2, L3 भी द लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल्स मान लिया, ठीक है, उसके बाद L1, पाई R1 की L2 सब लिख दिया, लेंथ ऑफ स्पायरल क्या होगा, इन सब का टोटल होगा, तो यहाँ से पाई कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गई, AP बन गई, ये AP बन गई, तो सिम्बा AN/2 ए प्लस एल वाला सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया इसका, ठीक है ना, ईजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक में भी दिया हुआ है वाला डायग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 200 जो लकड़ी के गट्ठे होते हैं ना, उनको ना
अरेंजमेंट किया हुआ है, इनको लगाया हुआ है 20 लॉक्स इन द बॉटम रो। जो 20 लॉक्स हैं वो बॉटम रो में हैं, उसके बाद 19 है, देन 18 है, इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड इन। देखो जैसे ये लॉक्स अरेंज है ना, तो नीचे वाली रो है ना उसमें 20 लॉक्स लगे हुए हैं, ये मतलब 1 2 3 4 ऐड करो तो 20 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 18 है, एंड सोन लगते जा रहे हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये बताना है कि जो 200 लॉग्स कितनी रोज में अरेंज होंगे, इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और कितनी रो कितने लॉग्स होंगे टॉप रो में। ठीक है, हमें निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं इसको रब करती हूँ। 200 लॉग्स आर, हम ना सपोज कर लेंगे कि जो 200 लॉग्स है ना वो किस में अरेंज है, एन नंबर ऑफ, मतलब कि एन नंबर ऑफ रोज में अरेंज है। हमें किसी को भी जब भी सपोज करना तो एन ही सपोज करते हैं, तो हमने मान लिया कि वो एन नंबर ऑफ रोज में अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और टोटल लॉग्स कितने हैं 200, तो SN भी दे रखा है। SN कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है ये 19। हम क्या कहेंगे, जो SN है हमारा वो 200 है। लेट N बी द नंबर ऑफ रोज, तो हमने सपोज कर लिया N क्या है, हमारे नंबर ऑफ रोज हैं। ठीक है, उसके बाद इन द फर्स्ट रो दे आर 220 लॉग्स, इन द फर्स्ट रो दे आर 20 लॉग्स, इन द सेकेंड रो दे आर 19 लॉग्स, इन द थर्ड रो दे आर 18 लॉग्स। तो डिफरेंस कितने का हो गया, डी तो हमारा 1 का हो गया, एक लॉग का डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, और डी हमारा हो गया -1, क्योंकि हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ गई, तो डिफरेंस आ गया हमारा -1, क्योंकि हम 19 में से 20 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा हमारे पास। ठीक है ना, और ए क्या हो गया हमारा 20, क्योंकि अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, 20 19 18 ऐसे जा रही है ना हमारी। ठीक है ना, इस तरीके से हो गया। उसके बाद हमें सम दिया हुआ है 200, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा सम का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है n by 2 2a plus n minus 1 into d। तो n कितना है, डोंट नो। sn कितना है, 200 है। 2a, a की वैल्यू क्या है हमारी 20 ना बस वैल्यू, प्लस n minus 1 डोंट नो, d कितना है -1, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या आ जाएगा 400 is equal to n 40, यहाँ क्या आ जाएगा -n + 1, तो ये क्या आ जाएगा 400 = n 41 - n आ गया। ठीक है ना, तो अब हमारे पास ये एक सीक्वेंस बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, क्या बन गई 400 = 41n - n² बन गया। ठीक है, इसको अरेंज करेंगे उधर ले जाएंगे, तो n² - 41n + 400 = 0। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, 25 और 16 बन जाएंगे। n² - 25n - 16n + 400 = 0, तो n कॉमन n - 25 - 16 कॉमन n - 25 = 0, तो n की वैल्यू 16 एंड n की वैल्यू 25। अब देखो n की दो वैल्यूज आ गई, 16 एंड 25। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी किसकी वैल्यू है, देखो कैसे पता लगाएंगे, इफ़ n इज इक्वल टू 25, सपोज करो मैं n 25 ले लेती हूँ, हमने सपोज कर लिया कि n 25 है, n का मतलब 25 रोज हैं। ठीक है, 25 रोज हमने सपोज कर लिया कि 25 रोज हैं, तो 25 हमें क्या निकालना है कि 25th रो पर कितने लॉग्स अवेलेबल होंगे। तो अब कितने लॉग्स होंगे, तो ये क्या निकालना, मतलब कि हमें निकालनी है टर्म, निकालनी है टर्म की वैल्यू क्या है, तो हमें निकालना है an, an क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो a कितना है, फर्स्ट लॉग में कितने थे हमारे 20 थे, प्लस एन माइनस वन मतलब 25 - 1 = -1, तो क्या आ गया 20 - 25 विच इज़ इक्वल टू -5। अब मेरे पास क्या आ गया कि 25th रो पर -5 लोग हैं। अब -5 तो हो नहीं सकते लॉग्स, नेगेटिव में तो लोग हो नहीं सकते, तो इट मीन्स n इज़ इक्वल टू 25 रॉन्ग है।
हम क्या लेंगे n इज इक्वल टू 16, तो n इज इक्वल टू 16 में a 16 क्या निकालेंगे, a प्लस 15d, a कितना है 20, d कितना है -1, -15 विच इज इक्वल टू 5, तो मतलब कि 5 लॉग्स होंगे हमारे nth मतलब कि 16th रो में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, इसका मतलब 16 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज है और 16th रो में कितने होंगे हमारे पास 5 लॉग्स होंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन करेंगे हम। देखो 20th क्वेश्चन क्या है, इन अ पोटैटो रेस, अभी पढ़ के बताती हूँ, अगर बुक्स हैं तो पढ़ के देखो तुम खुद ही, इजी सा क्वेश्चन है ये भी बहुत ही। इसके बाद मैं तुम्हें ऑप्शनल एक्सरसाइज करवाऊंगी इसकी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पोटैटो मतलब फर्स्ट पोटैटो से कितनी दूर है बकेट, 5 मीटर दूर है। देखो फर्स्ट पोटैटो से कितनी दूर है बकेट, 5 मीटर दूर है, ये फर्स्ट पोटैटो है तो इसका दूरी कितनी है 5 मीटर, एंड अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, 3-3 मीटर की गैप पे अलग अदर पोटैटोज रखती है, देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, 10 पोटैटो हैं पूरी लाइन में। ठीक है, अ कंपिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, यहाँ से उसने करा स्टार्ट और सबसे पहला पोटैटो उठाया, रन्स बैक विद द इट, तो एक पोटैटो वापस रखने गया, रन्स बैक टू पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो, उसने क्या किया देखो, एक पोटैटो उठाया फिर वापस रखा, फिर दूसरा पोटैटो उठाया फिर वापस रखा, फिर तीसरा पोटैटो उठाया फिर बकेट में रखा, लाइक दैट वो ऐसे करता रहेगा 10 के 10 पोटैटो उठाने के लिए। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपिटिटर हैज़ टू रन, तो कंपिटिटर को कितने किलोमीटर का मतलब कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा इनको उठाने के लिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है, हमने सपोज कर लिया कि S1 S2 तो वो 10 बार आ जाएगा मतलब कि, तो हमारे लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन, हमने सपोज कर लिया लेट S1 S2 अप टू S10 ये हमारे 10 डिस्टेंस हो गए विद द डिस्टेंसेस रन बाय द कॉम्पिटिटर, विद द डिस्टेंसेस रन बाय द कॉम्पिटिट। ठीक है, ये डिस्टेंसेस हो गए टू पिक अप द फर्स्ट सेकेंड एंड टेंथ पोटैटो रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट सेकेंड को उठाने के लिए हमने S1 S2 S10 ये सारे के सारे डिस्टेंस पोज कर लिए। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपिटिटर, ये लिखोगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपिटिटर इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस अप टू S10। ठीक है, ये हो गया। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले पोटैटो उठाया, देखो मैं दिखाती हूँ तुम्हें, उसने पहला पोटैटो उठाया, यहाँ से स्टार्ट किया, 5 मीटर दूर था तो यहाँ से चला 5 मीटर, उठाया वापस गया तो 2 × 5 हो गया। ठीक है, तो उसका पहला क्या था 2 × 5 प्लस S2 देखो क्या आएगा, ट्वाइस तो होगा ही होगा, डबल हो जाएगा डिस्टेंस क्योंकि वो आ रहा है फिर जा रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, दूसरा पोटैटो यहाँ पे है तो 5 + 3 हो जाएगा डिस्टेंस उसका, 5 + 3 और ट्वाइस ऑफ 5 + 3 हो जाएगा तो उसका हो गया ट्वाइस ऑफ 5 + 3। ठीक है, इसी तरीके से उसके डिस्टेंसेस बढ़ते जाएंगे, नेक्स्ट क्या होगा प्लस ट्वाइस इंटू 5 + 3 × 2 प्लस अप टू सो ऑन ट्वाइस ऑफ 5 + 3 × जो हमारे पास क्या था इंटू 2 × 3 × 10 × 9। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। देखो पहला डिस्टेंस कितना था 5 + 3, फिर 5 + 3 + 3, फिर 5 + 3 + 3 + 3, फिर लास्ट में टेंथ में तो ये फर्स्ट है, स्टार्टिंग हमने कहाँ से की, यहाँ से की है ना, तो फर्स्ट पोटैटो का तो ये डिस्टेंस हो गया, सेकंड में हम कर रहे हैं तो ये 9 तक जाएगा। ठीक है, इसका एक दूसरा वे भी बता दूंगी, तो ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 × 5 + 3 = 18, 18 × 5 + 3 = 8, 8 × 2 = 16 प्लस इस तरीके से कर लो, चाहे जो मैंने पहले मेथड बताया उससे कर लो, फिर ये क्या आएगा 8 × 2 =
16 टू ज़ा 32 प्लस अप टू 2 इंटू, ये तो सीरीज नहीं बन पाएगी, मैं तुम्हें दूसरे तरीके से बताती हूँ, ठीक है। अब देखो ये 2 तो कॉमन ले लो सारे में से, और 2 कॉमन लेने के बाद देखो क्या करोगे, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लेने के बाद 5 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम ले लेंगे 3 कॉमन, अब देखो 5 5 5 5 सारों में आ गया, तो ये 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 चलता रहेगा, ये कितने आ जाएगा 10 टाइम्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। उसके बाद ये तो 5 तो ख़त्म हो गया, उसके बाद ये 3 वाली सीरीज़ आ गई, ठीक है। तो ये प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 9 चली गई, ठीक है। मैं दोबारा बताती हूँ, देखो हमने क्या किया, मैंने अभी 2 तो सारों में से कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद 2 कॉमन लेने के बाद ये 5 है, ठीक है, ये 5 प्लस 3 है, ये 3 प्लस 2 है, तो 5 प्लस 3 नहीं था, 5 इंटू 3 इंटू 1 था, नहीं 5 प्लस ही था, सॉरी। देखो हमने क्या किया, 5 तो सबके ऐड कर दिया, फिर जो ये 5 था ये तो ऐड कर दिया, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स है, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10 टाइम्स 50 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, 3, फिर 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू n, तो हमने 3 कॉमन ले लिया और 1 प्लस 2 प्लस 3 लिख दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या बना, 2 इंटू 50 प्लस 3 कॉमन, और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n का n बाई 2 का फॉर्मूला लगा दिया, n बाई 2 मतलब n बाई 2 9 बाई 2, a प्लस l मतलब 1 प्लस l मतलब 9, तो यहाँ से बन गया 2 50 प्लस 3 9 बाई 2, ये कितना बन गया 10, राइट। तो 2 से 5 कैंसिल आउट कर दो, 2 50 प्लस 3, यहाँ पे 5 है, 5 3 ज़ा 15, 15 9 ज़ा 135, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 इंटू 185 विच इज़ इक्वल टू 370 मीटर, मतलब कि रनर कितना चला, जो कॉम्पिटिटर है 370 मीटर चला वो, ठीक है। समझ में आ गया, क्वेश्चन इजी था वैसे तो क्वेश्चन, लेकिन बस थोड़ा सा है एक इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, मुझे पता है इसका एक अलग मेथड भी था, वो भी मैं बताऊंगी तुम्हें, वो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, उसमें इसको सॉल्व कर लेते थे हम पूरे को, ठीक है ना, उसको सॉल्व करने से भी हो जाता है वाला क्वेश्चन। अब भी मैं तुम्हारा एक बार रिपीट कर देती हूँ, मुझे पता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, देखो एक तो हमारा ना ट्वाइस ट्वाइस है सबके साथ, ट्वाइस ट्वाइस क्यों है, क्योंकि वो आ भी रहा है जा भी रहा है, तो ये 2 तो मैंने कॉमन ले लिया, और 5 5 5 5 तो सब में ऐड है, क्यों, उसने 5 5 मीटर तो सब में ऐड किया था, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 सारा कुछ हमने कॉमन लेके 50 हो गया, ऐड हो गया। उसके बाद बचा क्या, यहाँ पे तो 3 की पावर 0 बची है, 3 तो ख़त्म हो गया, यहाँ 3 की 1 3 बचा है, 3, फिर 3 इंटू 2, 3 कॉमन ले लिया तो 2 बच गया, फिर 3 कॉमन ले लिया तो लास्ट में 9 बच गया, तो ये सब हमने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने क्या लगाया, यहाँ पे जो मैंने ये सम का फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाया n बाय 2 a प्लस l किया मैंने, ठीक है, कहीं कन्फ्यूज़न हो जाए कि ये कैसे आ गया मैम, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम करेंगे, वैसे मैं तुम्हें अगली वीडियो में एक और इसका टाइप बता दूंगी, किस अलग कौन से अलग तरह से कर सकते हैं इसको, देखो अभी बता देती हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्या, अभी क्या अभी बता देती हूँ, फिर वापस दोबारा से क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखो एक और मेथड है इसका, अब देखो हमने ना फर्स्ट में क्या किया था, जो 2 इंटू 5 था तो ये कितना था हमारा 10 बन गया था, दूसरे में क्या है 2 इंटू 5 प्लस 3 था, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये क्या बनेगा 5 प्लस 3 18 इंटू 16 बन गया। नेक्स्ट में क्या है, इनको सॉल्व कर दो, 5 प्लस 3 3 इंटू 2 6 6 प्लस 5 11 11 इंटू 2 22 नेक्स्ट 22 बन गया। उसके बाद हमारे पास देखो ये सीरीज़ बन गई 10 16 22 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो इसमें कितने कितने का गैप है, 6 6 का गैप है, तो डायरेक्ट इसका सम लगा दूँ क्या, अब ए क्या है 10 है, डिफरेंस कितना है 6 का है, और टोटल कितने टर्म्स हैं हमारे पास 10 टर्म्स हैं, तो एन कितना हो गया मेरे पास 10 हो गया, एन का सम करना है मुझे, ठीक है। तो इसमें एन बाई टू ए प्लस एल का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि लास्ट वाली को भी सॉल्व कर लो, लास्ट वाली को भी देखो कैसे सॉल्व कर लोगे, 5 प्लस 3 3 9 3 ज़ा 27 27 प्लस 5 32 32 इंटू 2 64, तो लास्ट टर्म कितनी होगी 64,
तो यहाँ पे n बाई टू ए प्लस एल का फॉर्मूला लगा दो। n बाई टू मतलब 10 बाई टू, ए कितना है 10 और l कितना है 64, तो यहाँ से कट के 5 बन गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 × 74 विच इज़ इक्वल टू 370। ठीक है, तो दो तरीके से इसको कर सकते हैं। ये वाला मेथड इजी है ज़्यादा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ ये किस तरीके से किया था। देखो 5 × 2 आया था, गया था, फिर 5 + 3 हो गया था, फिर 5 + 3 + 3 हो गया था, फिर 5 + 3 + 3 हो गया था, तो मतलब क्या किया मैंने इसको, जो 5 + 5 + 3 + 3 था, जो 3 + 3 था, तो उसको मैं 3 + 3 की बजाय 3 × 2 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने 3 × 2 लिखा था। इसी तरीके से जो 3 + 3 + 3 + 3 + 3 9 × 3 था, तो इसलिए मैंने 3 × 9 लिख दिया था। ठीक है, तो दोनों मेथड में से ये अल्टरनेट मेथड है इसका, ये भी कर सकते हो और दूसरा भी कर सकते हो। ये वैसे ज़्यादा इजी है, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा, ऐसे दस सॉल्व करो और काम करो। ठीक है, तो ये आज हमने लास्ट एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट में वीडियो में मैं ऑप्शनल एक्सरसाइज भी करवाऊंगी। HBSE वालों के लिए ऑप्शनल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन CBSE वालों के लिए मच इंपॉर्टेंट है, तो वो उसके लिए ज़रूर कर लें 5.4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।